वहीं नई सरकार के गठन को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से बातचीत की है हमारे देहरादून के संवाददाता अजय भट्ट ने, देखिए। उत्तराखंड में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया भी थोड़ी देरी हो रही है। संभवतः माना जा रहा है कल विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें नए चेहरे पर मोल लेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी, होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी, सभी प्रदेश और देश की जनता को शुभकामनाएं। अच्छा, एक क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है और आपने ये दावा भी किया था कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया में थोड़ी देरी की वजह क्या है? देखिए, होली आ गई थी, होली से पहले कुछ जगह जहां हो गया था वहां आपने देख ही लिया है। हमारे यहां पर थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि जो हमारे स्वाभाविक उम्मीदवार मुख्यमंत्री के थे, चुनाव में वो थोड़ा सा रह गए थे, इस नाते से होली आने पर विलंब भी हुआ, नहीं तो यहां कोई बैठने की ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती। तो इसलिए अब जब ऊपर वाले डेट देते हैं, केंद्रीय नेतृत्व तारीख देता है विधायकों को कि आप बैठक कीजिएगा, उसमें पर्यवेक्षक आएंगे और जो विधायक चुनेंगे जिसको वही मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए विधानमंडल दल की बैठक में जो नाम आएगा, विधायक जिस पर सहमत होंगे, वही नाम मुख्यमंत्री का होगा। आप सेंटर की लगातार कनेक्टिविटी में हैं अमित शाह जी से, और जो भी प्रधानमंत्री, आपकी बैठक भी हुई है, तो सर क्या सब सम्मति हो गई है या अभी इसमें थोड़ा और? अभी इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, उसका प्रोसीजर ही अलग है कि जो भी होता है वो, मैंने बताया ना कि विधानमंडल दल में ही होता है, वो तो किसी को भी इसका पता नहीं होता, वो सर्वोच्च नेतृत्व का है, उस ओर न हम ध्यान देते हैं, न हमें जाना है, न किसी को बताया जाता है। का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए है सर, चर्चाओं में चल रहा है? मेरा काम नाम नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ये गलत चला रहे हैं, कहीं पर भी कोई काम है। तो ये थे अजय भट्ट, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला किया जाना है वो केंद्रीय हाईकमान द्वारा ही किया जाना है। विधानमंडल की बैठक संभवतः कल या परसों तक हो जाएगी, उसके बाद प्रदेश को नया मुखिया मिल जाएगा। देहरादून से हमने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।